आखिर आपको याद आ ही गया कि आपका एक अलग YouTube चैनल भी। वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबे अरसे के बाद हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा गायब रहा हूँ सोशल मीडिया से, क्योंकि ना ही मैंने इंस्टाग्राम यूज़ करा और ना ही फेसबुक पर कोई पोस्ट शेयर करी और ना ही ट्विटर पे ना कोई ट्वीट करा। एक्स दैट काफ़ी मैंने देर तक मैंने सोशल मीडिया से दूर रहने की कोशिश करी, क्योंकि एक फोबिया हो जाता है इस वजह से कह लो, या फिर मुझ पर थोड़ा मेरी स्टडी का प्रेशर था इस वजह से। बिकॉज यार पढ़ना भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, बट थोड़ा सा गैप ले लेना चाहिए अगर आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है या फिर आपको प्रॉपर फोकस नहीं करने दे रही। तो बस इस वजह से थोड़ा सा मैंने कहा चलो ब्रेक कर लेते हैं। एनीवेज आई एम बैक। तो जी आज की वीडियो क्यों बनाई जा रही है और क्या टाइटल और थंबनेल देख के तो शायद आप लोगों को पता चल गया हो कि बात हो रही है इस वक्त कराची मीडिया क्लब की इस वीडियो में। बिकॉज मुझे एक मैसेज आया था फ्रॉम कराची मीडिया क्लब और दे इनवाइटेड मी फॉर अफ्तार एंड डिनर, तो भाई गया क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन थी अबाउट, क्योंकि कॉन्टेंट क्रिएटर्स को बुलाया था, यू नो वट कॉन्टेंट क्रिएटर्स। तो मैं बता क्यों रहा अलैक्म बॉयज़, आई एम हेयर एट कौठार यूनिवर्सिटी और कराची मीडिया क्लब की तरफ से आई गेस इवेंट है कोई, हम लोग उसी सिलसिले में आए थे यहाँ पे, सो हेयर वी आर। तो अंदर जा रहे हैं फिलहाल मेन गेट से, अभी हम मेन गेट पे आए हैं, बट मेन गेट पे हमें ये बोला गया है कि इस साइड पे पार्किंग है, पार्किंग बैक साइड पे है और वहीं पे इवेंट हो रहा है, तो आप ज़रा उस साइड पे आ जाएँ, उस तरफ तशरीफ ले जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्किंग का निज़ाम नहीं है। So let's see क्या होता है, अब हम बैक साइड में जा रहे हैं। इसमें हमने कहा चलो इस तरफ से चलो अंदर ही जाके मिलते हैं अजीम भाई, ठीक है जी। ओके सो वी गॉट एंट्री इन द प्रीमिसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी आई गेस। ये बड़ी प्यारी मस्जिद है अजीम भाई, अच्छा हाँ आई गेस कंस्ट्रक्शन का काम जारी है सारी, और लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। तो जी अभी तकरीबन 6 बजे की टाइम हो रहा है, 6:13 हो रहे हैं और अभी हमें बोला गया है कि आप लोग थोड़ी देर बैठे हैं ऑडिटोरियम में, क्योंकि उसके बाद क्योंकि अभी इफ्तारी में बहुत सारा टाइम है, तकरीबन मैं बोलूँ 50 मिनट के करीब है, और हाँ हम यूनिवर्सिटी भी घूम सकते हैं यार, एक नई यूनिवर्सिटी आए तो विजिट तो बनता है ना यार, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। नो आइडिया, ये तो मुझे एक तरह का ग्राउंड लग रहा है, ठीक है ये तो मुझे ग्राउंड लग रहा है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल में हॉस्पिटल की पार्किंग वगैरह होगी, नहीं नहीं ये इस तरफ, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है इसके पीछे, मतलब हम लोग जब वहाँ से एंटर होते थे वो मेन गेट था। हाँ उस तरफ से मेन गेट था। तो मैं मुझे समझ नहीं आया क्या चक्कर क्या है यार, ये इस तरफ हॉस्पिटल है, इस तरफ यूनिवर्सिटी है, बट अच्छा मेन गेट इस दीवार के नीचे मेन गेट। ओए होए होए होए, यानी चलो ठीक है, बहुत दूर से फॉलो हो रहा है वैसे। व्हाट इज दिस? Oh, definitely. Oh my God. तो जी फाइनली बात यह है कि अब हम मेन लोकेशन से पहुंच चुके हैं, जो हमारी लोकेशन है ये हमारी टेबल है, ठीक है यहाँ पे हम बैठेंगे और हमारे साथ बहुत सारे लोग अभी आने को हैं, कुछ ऑलरेडी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि हमारे ये हैं अली भाई,
ठीक है, ये हमारे अली भाई हैं, ये हमारे वही पुराने श्याम भाई। तो इन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिखिए अली अब्बास जाफरी JAFRY, तो मेरा चैनल आ जाएगा। भाई ने बोल दिया, आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कंटेंट को तुम कहते हैं तो हमारे चैनल कंटेंट पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइबिंग। और अभी हमारे साथ जुड़े रहे, इवेंट में आ गया कि क्या होता है, अभी नमाज में टाइम है, बिल्कुल नमाज में टाइम है, तो हम थोड़ा सा बातें शातें करते हैं, मिलते हैं लोगों से, और अगर मूड हुआ तो वीडियो भी बनाएंगे, आप लोगों को दिखाते भी हैं, बस एनिमेटिक का मूड होगा वो भी दिखाएंगे। ठीक है जी, हमारे साथ कहीं मत ओके जी। तो जी जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, अभी एक भाईजान आया, मुझे अभी तक इनका नाम तक नहीं पता, बट मेरे साथ ये भाईजान बैठे हुए थे, इन्होंने बताया कि भाई ये बंदा तो नॉट कमिंग स्लो है। भाई जान नाम तो बता दें, एटलीस्ट समीर, आप जरा मिले, वेलकम टू समीर भाई। तो समीर भाई थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। मैं बेसिकली फिल्म मेकिंग करता हूँ, तो बस मीडिया का शौक है, एक्टिंग का शौक है, तो यही सब चल रहे हैं। तो भाई ये बंदा हल्का नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको, अभी जो इसने मुझे बातें बताई है ना, वो मैं अभी आपको बता भी नहीं सकता। वो भी मैंने नहीं बताई, वो भी इसने बताई। आई डोंट नो इन्हें कैसे पता चला। मेरे भाई है यार, आपसे आपके भाई, मेरे ये भाई है। ओए होए होए होए, क्या बात है, आपके भाई जरा ज्यादा बड़े हैं मुझसे बड़े। चलो जी अभी देखते जाते हैं, अभी एक बंदे ने एंट्री मारी है थोड़ी देर के बाद और वो ऐसा बॉम्ब निकला है, अब देखते हैं और लोग आते हैं और एक के बाद एक बॉम्ब आ रहा है, लेट्स सी क्या होता है। हुकूमत तो चली गई बट सरप्राइज वापस आएगी और फुल एक्सपीरियंस के साथ आएगी, आप देखेंगे, और धूम मचाएगी, और धूम मचाएगी। ओहो, यानी तब्दीली दोबारा आ रही है, तब्दीली आ जाएगी, लेट्स सी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हेलो जी, बस नमाज भी हो गई, खाना पीना भी हो गया, इफ्तार भी हो गई, सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पे, अब हमारे काम सारे एंड हो रहे हैं, बस हमारे ये सारे भाई लोग हैं, ये सारे लोग हैं हमारे साथ, और ऊपर स्टूडियो कहते हैं ना, स्टूडियो निकाल दिया। नहीं 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 नहीं, आप कैमरा संभालें, आप कैमरा संभालें, अब मुझे निकाल दिया इस आदमी ने, बिल्कुल ही सीन से आउट कर दिया। मैं भी आया हूँ भाई, मैंने अवतार भी किया, मैंने डिनर भी किया, और मैं स्पीच के अंदर कितना बताया, बेहतरत आदमी है। बात यह है कि अब जरा स्टूडियो देखना जरूरी है, क्योंकि जिस काम के लिए हम आए हैं ना, तो सबसे बड़ा काम ही है। असल में एक और इवेंट चल रहा है, ये हम थे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे एक दूसरा एक इवेंट चल रहा है, डोंट नो किसी और की जानिब से, अब हम देखते हैं वहाँ पर, एक जस्ट अ मिनट किसी और तक ले जाएंगे। नहीं तो ऊपर मतलब किसी और दूसरी बिल्डिंग में भाई, क्या हो गया तो ऊपर ऊपर क्या बोलने भाई। तो भाई अभी तक जो मैंने बोला वो शायद झूठ था, असल में वो बिल्डिंग चेंज है, हम डायरेक्ट उसी बिल्डिंग के ऊपर जा रहे थे, ठीक है ना। अजान हो रही है वक्फे के, एक छोटे से वक्फे के बाद हम ढूंढ रहे थे, हमें लोकेशन मिली नहीं थी, मीडिया का ऑफिस। तो जी ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये एक डिस्कशन थी, डिस्कशन हो गई, देन अब जरा जा रहे हैं मेन स्टूडियो में, क्योंकि ये एक लैब है, लैब में बैठ के जो भी बातें थी या फिर कुछ समझाना था तो वो सारी बातें हो गई हैं, अब जरा जाते हैं देखते हैं क्या है। स्टूडियो का इतनी हाई पीरियड है, स्टूडियो तो जी अभी तक तो सिर्फ हम लोगों को बुलाया था स्टूडियो दिखाने, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कशन करने के लिए, बट अभी मैं आप स्टूडियो आप लोगों को नहीं दिखा सकता, वजह यह है कि अभी वो 100%
कंप्लीट नहीं है और थोड़े से सेटिंग वगैरह की वजह से अभी हमें अलाउ नहीं करा दिखाने के लिए, तो बस ये बात है। बाकी एक बात बतानी थी आप लोगों को, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल्स पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस दिस दिस, कुछ इस टाइप की बातें। हो सकता है मेरे चैनल पे भी सुनने को आपको मिल सकता है, ये बात मैंने बतानी थी। तो जी इस वक्त शायद मेरा व्यू अच्छा नहीं आ रहा हो, बट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है और अभी हमने स्टूडियो देखा है, स्टूडियो मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है क्योंकि वो सरप्राइज़ है, वो मैं अभी दिखा नहीं सकता। और ये हमारे साथ उवैस भाई हैं जिन्होंने हमें इन सारी चीज़ों के लिए बुलाया था फ्रॉम कराची मीडिया क्लब। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और कराची मीडिया क्लब का मैं एडवाइज़र हूँ। यहाँ पे हम जो है बहुत बड़ा जो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ यंगस्टर्स के लिए, कोशिश ये होती है कि जो भी हमारा यंग क्रिएटर है वो आए उसको प्लेटफॉर्म जो है ना हम अवेलेबल करके दें, उसके लिए जो है ना एक राह बनाएं। तो कोशिश ये होती है कि जितने भी यंग क्रिएटर्स हैं वो हमारे साथ आए, हम इन्वाइट करते हैं, आप आए हमारा ऑफिस विजिट करें, चीज़ें विजिट करें, देखेंगे हम काम क्या कर रहे हैं। आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं सीखें, कोशिश करना चाहते हैं कोशिश करें, ये सारी चीज़ें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। हमारे पेज पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ देख के देख सकते हैं। तो ये हमारे भाई हैं बहुत अच्छे और इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लें लास्ट। थैंक यू। और कराची मीडिया क्लब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। और कोई इन्फॉर्मेशन हो उवैस भाई का नंबर भी मैं डाल दूंगा, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं जो भी। ठीक है जी। तो अफ्तार हो गई थी, देन उसके बाद डिनर, उसके बाद हमें उनके लैब में बैठे, देन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं यार, गाइड करने वाले एंड सपोर्टिव भी हैं। बिकॉज कराची मीडिया क्लब की मैं एक खासियत बता दूँ कि मैंने अभी तक कोई ऐसा क्लब या फिर कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं देखा जो बिगनर्स को सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, मैंने नहीं देखा भाई। अब ये कमेंट मत करने लगना कि मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, ये हैं, वो हैं, हैं तो भाई कहाँ हैं, मैंने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है जी, जो बिगनर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बट मैं जब वहाँ पे गया, मेरे साथ बिगनर्स के साथ साथ जो कहते हैं ना प्रो, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग भी मौजूद थे। ठीक है, बट सब लोग वहाँ पे सीखने आए थे क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, जितना चाहो सीखो यार, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है, ये कहावत नहीं है हकीकत। चलो जी, यहाँ पे होती है हमारी स्टोरी एंड आज की, आई मीन कराची मीडिया क्लब की। तो एक बंदे से मैं मिलवाना चाह रहा था मगर इसने मिला नहीं दिया। तो उस बंदे से हम आपको फिर कभी मिलाएंगे इंशाल्लाह तफसील में, बट अभी क्योंकि टाइम कम है और तरावी का भी वक्त हो रहा है और ईशा का तो वक्त हो चुका है, आई होप हम अपने इलाके में पहुंच जाएं क्योंकि हमें यहाँ से जाना है एयरपोर्ट और नमाज वहीं पे पढ़ेंगे हम। यहाँ थोड़ा शोर भी हो रहा है, अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी सी देर के बाद। ठीक है, सी यू। जल्दी जल्दी मैं ये कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की, मैंने शाम को उसके साथ ड्रॉप कर दिया, दैन उसके बाद मैं अपने घर पे आ गया और बस अब इस वीडियो को एडिट करना है और बस यार आज की वीडियो करेंगे यहीं पर रैप अप। आई होप यू एंजॉय एंड मज़ा आया होगा, अगर वीडियो देखने में आया है तो कंसीडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अच्छा।